अयोध्या समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री व मिल्कीपुर के विधायक अवधेश प्रसाद ने प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता के माध्यम से मिल्कीपुर क्षेत्र की प्रमुख समस्याओं से मीडिया को अवगत कराया, जिसमें प्रमुख रूप से बारिश न होने के कारण सूखे की समस्या, जिसमें किसानों की धान के फसल की रोपाई नहीं हो पा रही है। दूसरी छुट्टा जानवरों की समस्या के मामलों को लेकर 25 अगस्त को शहर के गांधी पार्क में धरना किया जाएगा, जिसमें सपा के पूर्व राज्य मंत्री पवन पांडे, गोसाईगंज विधायक अभय सिंह, बीकापुर फिरोज खां गब्बर, रोदौली आनंद सेन यादव और सपा के कार्यकर्ता शामिल होंगे। धरने के माध्यम से महामहिम राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन भी दिया जाएगा। मिल्कीपुर विधायक अवधेश प्रसाद ने बताया कि इस बार बारिश न होने के कारण धान की रोपाई नहीं हो पाई है और जो हुई है उसको भी छुट्टा जानवरों द्वारा नुकसान कर दिया गया है। आज भी हमारे क्षेत्र में सांडों का आतंक है। कल मिल्कीपुर के एक नवयुवक को सांड ने मार दी, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। मैं सदन में लगातार इन मुद्दों को मुख्यमंत्री के सामने उठाता रहता हूं, लेकिन सरकार मूक दर्शक बनी हुई है। आज मिल्कीपुर क्षेत्र में 75 से 80% नलकूप बंद पड़े हैं। पानी की टंकी का मोटर जल गया है। सूखे के समय उसका निर्माण नहीं हो पा रहा है। बिजली के ट्रांसफार्मर भी जल गए हैं, जो बदले नहीं जा रहे हैं, जिससे सिंचाई के लिए किसान अपने ट्यूबवेल नहीं चला पा रहे हैं। सरकार अमृत सरोवर की बात कर रही है और यहाँ ग्रामीणों को पेयजल की दिक्कत हो रही है। हमारी सरकार से मांग है कि ग्रामीण क्षेत्रों में इंडिया मार्क 2 का हेडपंप लगवाया जाए, जिससे पेयजल की समस्या का समाधान हो सके। जितने ट्रांसफार्मर खराब है, सरकार उसे 48 घंटे में सही कराए। गाँव के सूखे तालाबों में पानी की व्यवस्था करे, जिससे पशु पक्षियों को पानी मिल सके। आज ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा के मजदूरों द्वारा कार्य नहीं कराया जा रहा है, बल्कि जेसीबी से खुदाई कराई जा रही है। इस समस्या का भी समाधान हो। हमारी मांगें न पूरी हुई तो सूखे की समस्या को लेकर हजारों किसानों को लेकर लखनऊ तक पैदल मार्च करेंगे, जिसमें सभी अध्यक्ष और चुने हुए प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। इस समय किसान बहुत संकट में है। बरसात नहीं हुई है और जो हुई ना के बराबर हुई है। किसानों की फसल मुश्किल से 30% भी धान की रोपाई नहीं हो पाई, और जो धान की रोपाई हो पाई है वो भी किसान जो है सांडों से, छुट्टा जानवरों से नहीं बचा पा रहा है। तो और ऐसी स्थिति में जब प्रदेश में सूखा पड़ा है, तो राज्य के नलकूप, पूरे प्रदेश की बात तो मैं नहीं कर रहा हूँ, फैजाबाद में 80 और 85% राज्य के नलकूप बंद पड़े हैं। ट्रांसफार्मर 80-85% जले हुए हैं। महीने महीने, दो दो महीने के हैं। लोग इतना करते हैं लेकिन आज तक नहीं बन रहे। और यही नहीं, अगर किसी का बिजली का बिल बकाया है 100-200 रुपया 400, तो उनके कनेक्शन काटे जा रहे हैं और वसूली की जा रही है। तो इन्हीं सब बातों को लेकर हम मांग करते हैं, 1 मिनट रुक जाइए, कि माननीय मुख्यमंत्री जी विधानसभा का विशेष सत्र आहूत करें, जिससे इस संकट घड़ी में जब समूचा किसान, जो हमारे देश की आत्मा है, परेशान है सूखे से, इस परेशानी को दूर करने के लिए, राहत पहुंचाने के इरादे से विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाए, जिसमें इस समस्या का चर्चा भी हो और चर्चा के लिए, निदान के लिए बड़े अधिकारी वहां रहेंगे, सरकार के सभी मंत्री लोग रहेंगे, निश्चित तौर से उससे राहत मिलेगी। तो इसी बात को लेकर समाजवादी पार्टी ने तय किया है, हमने तय किया है कि 25 तारीख को गांधी पार्क में, जो मुख्यालय पर है, वहां पर हम लोग धरना देंगे और धरना के माध्यम से महामहिम राज्यपाल जी को ज्ञापन देंगे, जो जो कठिनाई है और जिन कठिनाइयों को सॉल्व करने के लिए हम ज्ञापन देंगे। अब जो सबका लगाओ।